ये जो डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है कब सेलिब्रेट किया जाता है इट इज़ लाइक इट इज ऑब्जर्वड इट इज इट इज़ नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड इसको ऑब्जर्व किया जाता है यानी कि इसको याद किया जाता है तो कौन से डे पे किया जाता है नाइन्थ ऑगस्त टेंथ ट्वेंटी या नाइनटीन सो so, आंसर इज नाइन्थ ऑगस्ट अब देखते हैं कि क्यों किया जाता है बेसिकली इसलिए किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया यूएस ने क्या किया था एटॉमिक बॉम्ब नाम किया था उसका फैट मैन वो गिराया था नागासाकी पे फिर उसके बाद गिराया था हिरोशिमा पे ठीक है तो इसको ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं ब्लैक डे ऑफ जापान और नागासाकी डे के नाम से भी जानते हैं ब्लैक डे ऑफ जापान ये लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है ठीक है मिसाइल का ये एटॉमिक बॉम्ब का नाम भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आप इसे आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कहीं पे तो अब ये देखते हैं कि ये क्यों किया था क्योंकि ये ये यूज़ हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था ताकि जापान जो है वो पूरी तरीके से सरेंडर कर दे ठीक है अब देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए थे प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हुआ था और बहुत सारे लोग मतलब लगभग लगभग थर्टी थ्री परसेंट ऑफ़ द पॉपुलेशन ऑफ जापान वॉज वाइप्ड आउट ठीक है फिर तो मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए कोई भी नहीं था उस टाइम पर और कंट्रीज ने भी बहुत ही कम सपोर्ट किया था फिर क्या हुआ कि ल्यूकमेनिया थारॉयड ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर जैसी बीमारी जो है वो बहुत लंबे स्केल पे फैली और ये एटॉमिक बॉम्ब के जो कॉन्सिक्वेंस थे वो मतलब ओवर द जनरेशन दे वी वर एबल टू सी दैट ओवर द जेनरेश बच्चों के बच्चे पैदा हो उनके बच्चे पैदा हो उनमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये सब एटॉमिक बॉम्ब की रेडिएशन की वजह से हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल इनागरेटेड अब थोड़ा सा यूनिक सा है कि इंडो इसराइल सेंटर ऑफ़ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पे ये इनाग्रेट हुआ है गुजरात में कर्नाटका में मध्य प्रदेश में इसराइल में तो बच्चों ये हुआ है कर्नाटका में ठीक है अब ये क्यों इसका बेसिक पर्पस क्या है और ये क्यों किया गया है देखो अभी तक तीन सेंटर जो है वो कर्नाटका में इस्टेब्लिश करे गए हैं क्यों एक इंडो इसराइल प्रोजेक्ट इंडो इसराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया था ठीक है उसमें क्या है वो हम आगे देखते हैं बट ये किन लोगों ने इनागरेट किया है पहले ये देख लेते हैं ये इनाग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर और चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के जिनका नाम है बी एस येद्यूरपा ठीक है उन्होंने इनागरेट किया अब हम देखते हैं ये है क्या ये इसलिए इनागरेट किया गया है ताकि हम अब ताकि हम क्या करें एडवांस टेक्नोलॉजी को सैटेलाइट इमेजिंग हो गया एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया इन सब को इस्तेमाल कर एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेन कर सके ताकि हम क्या कर सकते हैं बेटर प्रोडक्शन कर सकें क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज़ भी ठीक है अब एक, एक टेक्निक की बात होती है यहाँ पे सुपर भागवा कैनोपी मैनेजमेंट टेक्निक ठीक है ये टेक्निक भी हम इस प्रोग्राम के अंडर सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री विल विच कंपनी विल लॉन्च इंडिया की उड़ान इंडिया की उड़ान कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी इन्फोसिस महिंद्रा गूगल और टी सी एस तो बच्चों ये करेगी गूगल अब ये क्यों करेगी क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस साल हम कौन सा ईयर सेलिब्रेट कर करें सेवेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ठीक है तो गूगल ने गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने क्या किया है एक इंडिया की उड़ान जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अब इसके अंडर क्या है अब इसके अंडर ये भी है कि वो सेलिब्रेट करेंगे इंडिया सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे प्लस इसके अंदर एक और है डूडल फॉर गूगल ये एक कॉन्टेस्ट है जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ऑर्गेनाइज़ किया गया अब ये क्यों किया गया है ताकि जो इस कॉम्पटिशन का थीम है वो है कि हम अपने इंडिया को ट्वेंटी फाइव ईयर्स में कहाँ देखते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स में हम कहाँ देखते हैं ठीक है यह है ना फर्स्ट से लेकर टेंथ तक के स्टूडेंट्स के लिए और प्राइज मनी भी इसमें बहुत अच्छा रखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विल होस्ट द कोजबेकिस्तान तजाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया आप अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए फिर मैं आपको बता दो आप, आपका आंसर उजबेकिस्तान ठीक है उज्बेकिस्तान कंट्री जो है वो होस्ट करेगी अब हम थोड़ा सा एक और देखते हैं कि उज्बेकिस्तान ये होल्ड करेगी ये किसने अनाउंस किया चेयरमैन ऑफ उज्बेकिस्तान चेस फेडरेशन ने अनाउंस किया ठीक है फोर्टी फिफ्थ वर्ल्ड चेस ओलंपियाड जो है वो कहा होंगे ये तो था वर्ल्ड चेस ओल्पियाड या फोर्टी फिफ्थ कहा होंगे बुद्धापिस्ट हंगरी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द थीम फॉर थीम ऑफ द एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए प्राइड टू पैथ पैथ टू स्ट्रेंथ माइल्स टू गो पैथ टू pride, ठीक है क्या मतलब इन चारों में से कौन सी थीम है ट्वेल्थ एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो की ठीक है हम देखते हैं आंसर इज फोर पैथ टू pride. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में बेसिकली ये है क्या ठीक है ये एक्सपो है क्या तो ये एक्सपो जो है वो सबसे पहली बात तो ये क्या है ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट इवेंट है किसी भी डिफेंस सेक्टर का ठीक है किसी भी कंट्री का एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका सबसे लार्जेस्ट इवेंट uh, है डिफेंस सेक्टर का ठीक है दूसरी बात क्या है ये ट्वेल्थ एडिशन है यानी ये ट्वेल्थ टाइम जो है वो सेलिब्रेट uh, किया जा रहा है या फिर हेल्ड किया जा रहा है जो ये एग्जिबिशन है ये हेल्ड की जा रही है ये कहाँ पे करी जाएगी गांधीनगर गुजरात में करी जाएगी कब करी जाएगी एटीन से लेकर ट्वेंटी टू अक्टूबर के बीच में करी जाएगी और इसका इस एडिशन इस की थीम क्या है वो है पैथ टू प्राइड ठीक है अब इस बेसिकली इसका विजन क्या है इसका विजन ये है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोदी जी का विजन है वो ये है कि हम सेल्फ रिलायंस यानी कि अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि हम डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा एक्सपोर्ट कर सकें और कितना एक्सपोर्ट कर सकें हम डिफेंस सेक्टर में ग्रो भी करें और एक्सपोर्ट कितना कर पाएं डॉलर फाइव बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर लें ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हिम ड्रोन और प्रोग्राम इज लॉन्च बाई विच कंट्री ये जो प्रोग्राम है कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है इंडिया यूएस रशिया या यूक्रेन तो बच्चों ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया में इंडिया ने लॉन्च किया है क्यों लॉन्च किया जैसा नाम से पता चल रहा है ड्रोन है ना तो इंडिया ने इस वजह से लॉन्च किया है ताकि पहली बार तो यह कोलाब्रेशन में लॉन्च किया है कौन से फेडरेशन के साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में लॉन्च uh, किया।, किया है इसका एम क्या है बेसिकली इसका एम ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ड्रोन इंडस्ट्री को या ड्रोन द पीपल हु आर इन ड्रोन मेकिंग कि वो uh, जो ड्रोन की आगे अनएक्सप्लोर्ड कैपेसिटी है उसको एक्सप्लोर कर सके और जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं ठीक है चेके? जो जो बॉर्डर पे ट्रूप्स होते हैं हम उसको डिफेंस सेक्टर में uh, जो ड्रोन्स हैं उनको कितनी इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं ये फेडरेशन ये जो हिम ड्रोन अथोन है ये प्रोग्राम इस वजह से लॉन्च किया गया है एक्स वज्र प्रहार इज दी एक्सरसाइज प्रैक्टिस बिटवीन विच टू कंट्रीज एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है वो कौन से दो कंट्रीज के बीच में होती है इंग्ला इंडिया बांग्लादेश इंडिया यूएस इंडिया रशिया इंडिया इसराइल इसराइल अब ये दो अब ये जो एक्सरसाइज है कौन सी दो कंट्री तो के बीच में होती है बच्चों तो चलो गेस करो मैं आंसर बताती हूँ द आंसर इज़ टू इंडिया और यू के बीच में होती है ठीक है अब ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है वो एस वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं और बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं यू में आपसे पूछा जाएगा कि ये क्यों है इसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है इन एक्सरसाइज वग़ैरह के और उसमें एस में आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि ये कौन सी एडिशन है थर्टीन एडिशन है इस इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज की ठीक है उसको हम बोलते हैं वज्र प्रहार अब ये कब ये अब ये कहाँ पे होनी है ये होनी है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ होनी है स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे ये होनी है ठीक है अब हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है अच्छा ये इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह कि एक साल ये इंडिया में होगी फिर अगले साल ये यूएस में होगी फिर एक साल इंडिया में होगी फिर अगले साल यूएस में होगी ऐसे होती है ये ठीक है अब इसका हम बताते दें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है कोई भी एक्सरसाइज जो होती है मिलिट्री एक्सरसाइज बच्चों तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये जो ट्रेडिशनल बॉन्ड होता है किसी भी दो कंट्री के बीच में किसी भी दो फोर्सेस के बीच में उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करती है ठीक है और जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन होता है दो कंट्री के बीच में दो बायलैटरल नहीं दो कंट्री के बीच में ठीक है जो डिफेंस सेक्टर का जो कोऑपरेशन होता है उसको भी स्ट्रेंथन करती है उसको भी इनहस करती है ठीक है अब इसमें अब ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज मतलब इस एक्सरसाइज के दौरान ये दो आर्मीज यूएस की भी आर्मी है और इंडिया की भी आर्मी है, है ना तो ये दो एक्सरसाइज तो ये दो आर्मीज वो है एक्चुअली में करेंगी क्या वो ये करेंगे स्पेशल सीरीज ऑफ ऑपरेशन करेंगे एग्जीक्यूट जैसे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन ठीक है टेररिस्ट को काउंटर करना टेररिस्ट जहाँ पे हैं उनको ढूंढना निकालना वो सारी चीजें ठीक है एयरबॉन ऑपरेशन ठीक है इन इन कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल द माउंटेनियस टेरेन ठीक है माउंटेनियस रीजन में ये सारी जो चीजें वो कही जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट इज लॉन्च्ड कहाँ पे लॉन्च किया गया ये गुजरात में किया गया हरियाणा में किया गया केरला में किया गया या पंजाब में किया गया तो बच्चों ये जो प्लांट है ये लॉन्च किया गया है हरियाणा में कहाँ पे पानीपत में ठीक है अब हम देखते हैं इसका एम क्या है ये लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया पानीपत हरियाणा में अब इसका एम क्या है इसको इनाग्रेट किसने किया इसको इनाग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ठीक है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्होंने इनाग्रेट किया है इसका एम क्या है टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ बायो फ्यूल इन द कंट्री बायो फ्यूल जो क्लीन फ्यूल होता है उसको इस्तेमाल करने का उसकी यूसेज बढ़ाने के लिए ये जो प्लांट है वो अस्टैब्लिश किया गया है अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि इसका जो एम एम वगैरह है वो क्या है क्या सोच के किया गया है ये सोच के किया गया है कि थ्री करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल पर एनम जो है वो इंडिया जो है वो और जनरेट कर पाए ये प्लांट जो है वो जनरेट कर पाए और क्या रिड्यूस कर दे ग्रीन हाउस गैस ठीक है ग्रीन हाउस गैस इक्वल टू थ्री लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है ना जो हमारा थ्री लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है हर साल उसको रिड्यूस कर दे इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस कर दे और ताकि हम क्लीन फ्यूल बायो फ्यूल के टू जो है वो बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट एक्सरसाइज लास्ट उसमें वीडियो में पूछा था लास्ट जो करंट अफेयर्स की वीडियो थी नाइन्थ में नाइन्थ अगस्त की जो करंट अफेयर्स की वीडियो थी उसमें मैंने आपसे पूछा था विच आर्टिकल गिव्स द पावर टू अ पर्सन टू बिकम द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट कौन सा आर्टिकल जो है एक पर्सन को आ, ये पावर देता है कि वो एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है तो बच्चों वो है आर्टिकल वन ठीक है आर्टिकल वन क्या करता है आर्टिकल वन ये डिफाइन करता है कि एक स्टेट का गवर्नर होना चाहिए ठीक है एक स्टेट में गवर्नर होना चाहिए जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी आर्टिकल 154 डिफ़ाइन करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट सॉरी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर और आर्टिकल 153 कहता है कि स्टेट में स्टेट में गवर्नर होना चाहिए और गवर्नर जो है उ, मतलब आर्टिकल वन ये भी पावर देता है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर जो है वो बन सकते हैं ठीक है आपके लिए नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क ये है टू रिजाइन द गवर्नर समिट द रेजिग्नेशन टू होम अगर गवर्नर को रिजाइन करना है तो गवर्नर रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा प्रेजिडेंट को करेगा प्राइम मिनिस्टर को करेगा चीफ मिनिस्टर को करेगा वाइस प्रेजिडेंट को करेगा वाइस चीफ मिनिस्टर को करेगा, को करेगा स्पीकर को करेगा लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर को करेगा असेंबली के स्पीकर को करेगा किस को करेगा यू हैव टू मैं दिस इन दमेंट सेक्शन सो दैट्स ऑल फॉर टूडे काइंडली ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल To get the latest updates of job vacancies, and if you like the video, kindly hit the like button, share as much as you can, and subscribe to our channel. Thank you, and have a nice day.